जुड़ी एक अच्छी खबर है। बता दी कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच में सुधार के लिए राज्य सरकार ने नागपुर और गोवा के बीच एक एक्सप्रेसवे की घोषणा कर दी है। 760 किलोमीटर लंबा यह हाईवे महाराष्ट्र के 11 जिलों को जोड़ेगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। और बता दी कि नागपुर से गोवा पहुंचने में 21 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी महज 8 घंटे में तय की जा सकेगी। नागपुर और गोवा के बीच बनने वाली एक्सप्रेसवे का नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। बता दें कि यह 3 शक्ति पीठों महालक्ष्मी, तुलजा भवानी और पत्रा देवी को जोड़ता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है। बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे का विस्तार किया जाएगा और सेंगाव तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। बता दें कि महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेस 10 रुपए से लेकर 86,300 करोड़ रुपए खर्च होगी। नागपुर से गोवा के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा। महज 8 घंटे में 21 घंटे की दूरी पूरी होगी। जी हां, बता दें कि यह एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है।